गाइस, भोलेनाथ की कृपा से हम लोग ओंकारेश्वर मंदिर में महादेव का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। हमारे पीछे देखिए बस खड़ी है, इस बस के द्वारा हम लोग जाएंगे वहां पर दर्शन करने के लिए। चलिए हम आपको दर्शन करवाते हैं। आज श्रावण के सोमवार का दिन है। हम लोग बसई ईस्ट में बस डिपो से बस के द्वारा तुंगार फाटा तक जाएंगे, क्योंकि वह बस तुंगार फाटा तक ही जाती है। वहां से रिक्शा पकड़कर हम लोग तुंगारेश्वर मंदिर तक जाएंगे। आप ओला, उबेर, कैब या टैक्सी के द्वारा भी मंदिर तक जा सकते हैं। आज बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण पुलिस वालों ने गाड़ी, कार या अन्य वाहन जाने के लिए रोक लगा दिया है, इसलिए हम लोग भी पैदल भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अंदर जाने के लिए टिकट काउंटर से टिकट लेना पड़ता है, लेकिन आज टिकट फ्री है। तुंगारेश्वर मंदिर बसईपुर पालघर जिला महाराष्ट्र भारत में स्थित है। यह मंदिर हिंदू भगवान शिव को समर्पित है, जो तुंगारेश्वर द्वार या तुंगार फाटा से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। संस्था के द्वारा कुछ जगहों पर चाय, पानी, नाश्ते की व्यवस्था की हुई है। तुंगारेश्वर महादेव मंदिर के रास्ते में जंगल का दृश्य बहुत ही सुंदर और आकर्षक दिखाई देता है। पैदल चलकर जाने पर इन दृश्यों का आप आनंद ले सकते हैं। मार्ग के दोनों ओर घने पेड़ों की कतारें, जिनमें बड़े बड़े वृक्ष, बांस और विविध वनस्पतियां भी शामिल हैं। इस मार्ग पर चलने पर पक्षियों की चहचहाहट सुन सकते हैं। रास्ते में कभी कभी छोटे छोटे वन्य जीव भी दिखाई देते हैं। ये प्राकृतिक दृश्यों का अनुभव तुंगारेश्वर महादेव की मंदिर यात्रा को और भी विशेष और आध्यात्मिक बना देता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखिए, मंदिर में दर्शन करने के लिए श्रद्धालु लोग लगभग 1 किलोमीटर की दूरी से लाइन में खड़े हैं। हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्तों महादेव का दर्शन करने के लिए उमड़ पड़े हैं। लाइन कम होने का नाम नहीं ले रही है। यह भीड़ शाम तक लगता है ऐसे ही रहने वाली है। भीड़ पर नियंत्रण रखने के लिए प्रशासन ने पुलिस की बहुत अच्छी व्यवस्था किया हुआ है, ताकि भगदड़ न मचे, श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। पुलिस के अलावा अन्य सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। मंदिर के अंदर लाइन से दर्शन करने की बहुत ही अच्छी व्यवस्था बनाई गई है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से हम लोग दर्शन कर लिया। भोलेनाथ बाबा की जय। हर हर महादेव। हमारे समाज की बहुत प्रभावशाली संस्था मंदेशिया खांडू फाउंडेशन के तरफ से हर साल महाप्रसाद का फ्री में वितरण किया जाता है। यह हमारे समाज की संस्था खेलकूद, हॉस्पिटल में लोगों की मदद, गरीब लोगों के बच्चों की पढ़ाई, लड़कियों की शादी, अन्य किसी प्रकार की मदद के लिए हर संभव सक्रिय रहते हैं। हर साल विद्यार्थियों के रिजल्ट आने पर, अच्छे नंबर से पास होने पर बहुत बड़े हाल में बुलाकर उन्हें पुरस्कृत एवं उत्साहित किया जाता है और सम्मानित किया जाता है, ताकि वे हमारे समाज और हमारे देश का नाम ऊंचा कर सके। आज के बच्चे ही आगे चलकर देश का भविष्य है। हर हर महादेव। मध्यस्या समाज की जय हो।